अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो मीठा है इसका नाम है क्रीम पफ डेजर्ट। ये मेरी एक फ्रेंड ने बनाया था जो कि बहुत ही मज़े का बना, और मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मैंने लिए हैं ग्रीन पफ। यहाँ पर मैंने इसका एक पैकेट और थोड़े से कुछ ज़्यादा भी लिए हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक पैकेट तो भी काफ़ी होता है, लेकिन मैंने थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल किए थे। और फिर मैंने यहाँ पर क्वार्क है उसका इस्तेमाल किया है। इस तरह मैंने कंडेंस मिल्क जो है उसे यूज़ किया है। इस तरह मुख्तलिफ़ तरह की बेरीज़ ली हैं मैंने, जिसमें रसबेरीज़ है, ब्लू बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं और क्रैनबेरीज़ हैं। तो यहाँ जो है इसको अब हम जो है इसकी क्रीम तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने जो मैंने क्वार्क ली है इसको, और जो कंडेंस मिल्क है, सॉरी मैं मिल्क कह जाती हूँ, जर्मन में होता है, तो कंडेंस मिल्क जो है उसको जो है आपने मिक्स करके मिलाकर अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। एक मिनट तक के लिए आप मिक्सर के साथ मिक्स कर लें, और अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसको हाथ के साथ बीट कर लें। और अच्छे तरीके से आपने इसको बीट कर लेना है कि एक क्रीम बन जाए। बहुत ज़्यादा लंबी देर बीट नहीं करना आपने इसको। और बस जब ये क्रीम बन जाएगी तो बस फिर हमने आगे, मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर मैंने लिया एक बाउल और मैंने इसके अंदर सबसे पहले डाल दिए क्रीम पफ। अच्छा, जिन लोगों के पास क्रीम पफ नहीं है, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान में मिल जाते हैं, मोस्टली कंट्रीज़ में मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते तो आप इसकी तरह की कोई चीज़ जैसे मिल जाती हैं जो जैसे क्रीम रोल होते हैं ना, तो आप क्रीम रोल का इस्तेमाल कर सकती हैं। बस आप उसको फिर ये है कि फ्रीज़ कर दें, और अच्छी तरह जब वो फ्रीज़ हो गया तो फिर उसको निकालें, और फिर इस तरह जो है आपने तह लगा देनी है उनके, उसके ऊपर जो मैंने क्रीम बनाई थी बस आपने वो फैला देनी है। और क्रीम अच्छी तरह से फैला देने के बाद हमने जितनी भी हमारी बेरीज हमारे पास हैं वो हमने उसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है, और बस ये जो है डिश यहीं पर फिनिश हो जाएगी। आपने इसको 2 घंटे के लिए जो है मिनिमम भी आपने इसको फ्रिज में रख देना है, और 2 घंटे के बाद जो है ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी होगी। तो फिर आप इसको जो है खाकर इसका मज़ा उठाइएगा। तो मुझे आप यहाँ पर दें इजाज़त। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।